अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.7 का इसकी कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 हमने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हमने कर लिया था। अब एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो कि हमने करने हैं। तो इसका ये पार्ट 4 जो पार्ट 4 है ये हम अभी कर रहे हैं, इसमें भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला। वो ये है कि जब भी क्वेश्चन इस तरह से जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे होते हैं तो पहले उसका हवाला दिया करें, ज़्यादा अच्छा है, एक दफ़ा लिख दिया करें। जैसे यू वी डी एक्स हो जाएगा तो मेरे पास ये आ जाएगा यू एंटी डेरिवेटिव ऑफ वी डी एक्स माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ वी और इस होल का एंटी डेरिवेटिव। ये फार्मूला है जिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। अब हम इसी क्वेश्चन को इसी फार्मूले से कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मैं यू ले रहा हूँ उसको, और ये एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द एक्स क्यूब और इस होल का एंटी डेरिवेटिव। तो मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स और ये आ जाएगा एक्स क्यूब का जो हो जाएगा वो वन अपॉन फोर एक्स की फोर माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो वन अपॉन फोर एक्स की फोर हो जाएगा इस होल का एंटी डेरिवेटिव। तो वन अपॉन फोर एक्स की फोर टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन फोर बाहर आ जाएगा, कोफिशेंट है वन अपॉन फोर बाहर, और एक्स की फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम मेथड हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और ये इसका डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो वैसे ही आ जाएगा वन अपॉन फोर एक्स की फोर टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन फोर, आप इसको ज़रा ले लीजिएगा, ये एक्स की फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की फोर लेकर आना है तो ये एक्स की फोर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मेरे पास जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन के साथ प्लस हो जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था, पार्ट 3 के अंदर। तो सेम है यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, इसमें वन अपॉन फोर कॉमन में ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, इसमें से वन अपॉन फोर कॉमन ले लिया दोनों में से, ये एक्स की फोर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इसका यू इस तरह से हो जाएगा, ये चीज़ माइनस वन अपॉन फोर तो मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स
प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये होल के अंदर वन अपॉन फोर कॉमन है तो ब्रैकेट में लगा दूंगा। ओके फर्दर वन अपॉन फोर और ये एक्स की फोर टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होता है वन अपॉन जो भी होता है, वन अपॉन एक्स है तो एल एन एक्स आएगा, वन अपॉन कुछ और है तो एल एन वाई जो भी नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, वन अपॉन अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो एल एन वही डिनोमिनेटर आपके पास आता है, तो हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव जो है एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ तक। अब मज़ीद अगर आप उसको वन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो वन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करें, बाकी हमारे पास आंसर आ चुका है वो ये है कि अब वन अपॉन फोर तो ये x की 4 tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस वन अपॉन ट्वेल्व, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर एक्स हो जाएगा प्लस वन अपॉन फोर एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर, ये उसका आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फाइव है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो मैं फार्मूला एक दफा चले जल्दी लिख लेता हूँ। यू वी डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू यू एंटी डेरिवेटिव ऑफ वी माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ वी और इस होल का एंटी डेरिवेटिव, ये फार्मूला है। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर एल एन एक्स और ये डी एक्स, तो इसका हो जाएगा एल एन एक्स मैंने यू ले लिया, इसको वी ले लिया। ठीक है, यू वी तो एल एन एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा और इस होल का एंटी डेरिवेटिव। तो एल एन एक्स और ये वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द वन अपॉन एक्स, एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव है वन अपॉन एक्स हो जाएगा और इसका वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा होल का एंटी डेरिवेटिव। तो वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस वन अपॉन थ्री बाहर ये एक्स क्यूब कैंसिल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो वन अपॉन थ्री बाहर आ जाएगा और इस तरह से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वन अपॉन थ्री को कॉमन लेना चाहो तो ले ले, अदरवाइज को वैसे रहने दे क्योंकि बाद में वैसे भी मल्टीप्लाई करना है तो उसको वैसे रहने दे। वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब एल एन एक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री और इसका वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस सी। तो वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस वन अपॉन नाइन एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन पार्ट फाइव। ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर वन था वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन जो था वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही था, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स था तो इसलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सिक्स है और इसमें आपको एक चीज़ वाजे नज़र आ रही है कि ये एक ही नंबर आपको नज़र आ रहा है,
ओनली टेन एनवर्स एक्स है, तो इस पे हम फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेन एनवर्स एक्स का तो कोई डायरेक्ट कोई डेरिवेटिव भी नहीं है और ना ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है क्योंकि एक ही नंबर है। तो वो तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो भाई इसके अंदर असल में दो ही नंबर्स है, लेकिन एक को हम वन ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे वन मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो एक वन आ जाएगा और एक ही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो फार्मूला वही इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्मूला ये हो जाएगा कि u v dx इज इक्वल टू u एंटी डेरिवेटिव ऑफ v माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ द v और इस होल का एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टेन एन, ये वन आ रहा है और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये टेन इनवर्स एक्स और एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन वन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि वन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो एक्स आ जाएगा, माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन डी एक्स और इस होल का एंटी डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स एक्स ये आपके पास एक्स हो जाएगा, वन डी एक्स का एक्स आ जाएगा एंटी डेरिवेटिव, माइनस ओके ये मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन इसका जो एन जो जो डेरिवेटिव है वो आ रहा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाएगा इस होल का एंटी डेरिवेटिव। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और होल डी एक्स हो जाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है हमने। अब इसमें हम ये करते हैं कि ये एक्स और एक चीज़ और कीजिएगा, लेट यू, चूंकि मैं इधर यू हम फार्मूले के अंदर लगाते हैं तो उसकी जगह आप कुछ और लगा दें या यू लगा दें, यू इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम करेंगे, तो डी यू और डी एक्स हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स हो जाएगा और वन अपॉन टू डी यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ में लगाता हूँ, इसकी जगह u लगाता हूँ और x dx की जगह 1 अपॉन टू डी यू लगाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि x x tan इनवर्स x और माइनस 1 अपॉन u हो जाएगा और x डी एक्स का वन अपॉन टू डी यू, ये x डी एक्स का वन अपॉन टू डी यू और इसका जो है वन अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वन अपॉन टू बाहर निकल के आएगा, x टेन इनवर्स x माइनस वन अपॉन टू बाहर आ गया और वन अपॉन यू डी यू हो जाएगा हमारे पास। तो x tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन टू अपनी जगह पे और ये ln u हो जाएगा प्लस c, तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो यही आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन टू ln u प्लस c। एग्जैक्टली दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वही आंसर मेरे पास फाइनली जो है ये आंसर आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सिक्स हमारे पास आ रहा था।
ओके, ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नाइन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पार्ट्स तो और बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे करेंगे, वो लास्ट पार्ट है, बाकी दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें ये देखिएगा कि इसमें भी हम वन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, यानी वन मल्टीप्लाइड बाय एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको अगर मैं उस फार्मूले से यूज़ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एल एन एक्स होल स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ वन डी एक्स हो जाएगा, कि वन मल्टीप्लाइड बाई ये हो रहा है, माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन डी एक्स हो जाएगा, और होल का एंटी डे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें दोबारा फिर से फार्मूला आएगा आगे जाके। तो ये एल एन एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि वन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो एक्स बन जाएगा, माइनस इसका जो एंटी डेरिवेटिव है क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो टू एल एन एक्स और फिर फर्दर एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय इसका वन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो एक्स हो जाएगा, और इस होल का एंटी डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो एक्स एल एन एक्स होल स्क्वायर माइनस ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू आ जाएगा, और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अभी फर्दर यहाँ पे चूंकि एल एन एक्स का एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड से हम जाके उसको सॉल्व करेंगे, यानी फिर से इसके अंदर फार्मूला यूज़ करेंगे, वन यानी एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन होल डी एक्स, इस तरह से। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए वो जो फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का, वो फार्मूला यहाँ पे हम फिर से यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास x, और ये एल एन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू अपनी जगह पे, और मैं यहाँ फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो एल एन एक्स और एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन डी एक्स, देखिए एग्जैक्टली वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला फिर से यू वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला फिर से यहाँ पे यूज़ होगा। तो एल एन एक्स मल्टीप्लाई बाय वन डी एक्स माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डी ओवर डी एक्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द एल एन एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ द वन डी, जो मेरे पास वन है, डी एक्स हो जाएगा, इस होल का एंटी डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये x और ये एल एन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, ओके एल एन एक्स अपनी जगह पे है अभी, ये एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय x, ये x एल एन एक्स हो जाएगा, माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाएगा, और इस होल का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा यहाँ पे। तो ये एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स एल एन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू एक्स एल एन एक्स, टू एक्स एल एन एक्स हो जाएगा, और माइनस ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है इसका। अच्छा, एक काम ये करें, टू अपने जगह पे, ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एक्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वन डी एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वन डी एक्स का मेरे पास एक्स आ जाएगा, टू एक्स हो जाएगा और प्लस सी। तो ये फाइनली मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो बार इस्तेमाल हो रहा है, एक शुरू में और एक सेकेंड टाइम पे यहाँ पे फिर से इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने कर लिया ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नाइन था, जो कि क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।